आप देख सकते हैं अभी तक लोडिंग हो रही है, तो काफ़ी मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आज ही वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में ये ऐप लॉन्च हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। एलिमेंट्स नाम है सोशल मीडिया ऐप का। आपको मैं वो स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ जो गूगल प्ले पे मौजूद हैं और इसके यूजेस क्या हैं आप साइड में देख सकते हैं, क्या पर्पज़ है इसके, जैसे नॉर्मल वीडियो कॉलिंग, फोटो शेयरिंग वगैरह वगैरह जो नॉर्मल सोशल मीडिया के होते हैं। और जैसा उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गया है उस टीम के द्वारा कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और इंडिया की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लैंग्वेजेस को, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है और एक मेड इन इंडिया ऐप है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी ही हाल में ही अभी इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि मोदी जी ने भी अनाउंस किया था कि इंडिया के जितने भी टेक लवर्स हैं, जितने भी यूथ हैं हमारे, उनको एक आह्वान दिया था कि आप आइए, यूनिक ऐप बनाइए, बड़े बड़े ऐप्स को रिप्लेस करने की कोशिश करिए, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अच्छे अच्छे ऐप्स के साथ आइए और जो जीतेगा, जो विनर होगा, उसको 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो उसके ऊपर विस्तार से मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये ऐप आ चुका है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन रिलीज़ होना था, लेकिन मैं इसको यूज़ कर नहीं पाया। मेरा मन यही था कि इसको यूज़ करके वीडियो में बनाऊँ और इसके फंक्शंस कुछ समझूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो अगर एलिमेंट्स की टीम देख रही है मुझे, अगर एलिमेंट्स की टीम देख रही है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि जैसे शुरू होता है इंस्टॉल होने के बाद, तो आप जो पहला काम होता है अपना नंबर डालते हैं, नंबर डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो लिख के आता है ट्राइंग टू रीकनेक्ट प्लीज़ रीफ्रेश, जबकि रीफ्रेश करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप दोबारा ऐप बंद करके खोलते हैं, आप फिर से नंबर डालते हैं, फिर से वही रिफ्रेश वाला नाटक आ जाता है। कभी कभी थोड़ा प्रोसीजर आगे बढ़ता है तो वो लोडिंग ही होती रहती है जो मैंने आपको दिखाई, और लोडिंग बहुत लंबी होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, और एक टाइम बाद वही रिफ्रेश वाला एरर आ जाता है। तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, जब आदमी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा तो फिर यूज़ कैसे करेगा। अभी आपके सामने बात करते करते मैं कर रहा हूँ, फिर से वही एरर आ गया। मैं लिटरली जब से इंस्टॉल किया मैंने, तब से एक बार भी ऐप में एंटर नहीं कर पाया। अब इसके 2-3 कारण हैं, शायद इसलिए कि अभी इनिशियल फेसेस पे है और जल्दी जल्दी रिलीज़ कर दिया गया गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि इसको बनने में अभी काफ़ी टाइम लगना था और बेसिक फीचर मुझे लगता है बना के और एक ऐप का आपको ढांचा दे दिया गया कि इसकी फंक्शनिंग ये होनी है, लेकिन उन्होंने थोड़ी गलती ये कर दी कि आदमी एंटर ही नहीं कर पाएगा तो यूज़ क्या करेगा। गूगल प्ले पे आ जाने से और लॉन्च कर देने से ऐप की एग्जिस्टेंस का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये कि आपने एक रिमार्केबल दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपने लॉन्च कर दिया तो एक उसको वो बना दिया कि हाँ एक ये डेट है जो याद करने लायक है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो उसके ग्लिचेज, उसके बग्स, उसकी चीज़ों को ठीक रखना था कि आदमी एंटर तो कर जाए एटलीस्ट, इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल गूगल पे पर जितने स्क्रीन शॉट्स हैं, जितने यूजेज हैं, पढ़ के देख के समझ के सही लग रहा है। बहुत जल्दी ही 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स पार कर चुका है ये ऐप गूगल प्ले पर, जैसा दिखा रहा है, आप स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है। आप लोग भी यूज़ करिए, देखिए जब ठीक हो जाए तो शायद अच्छे अच्छे फीचर्स निकल के आएँ, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे, शायद रोज़मर्रा के वो बाकी जो बोरिंग ऐप्स हैं हमारे, बोरिंग क्या हूँ, वो बोरिंग नहीं कहूँ, कहना चाहूँगा उनको, लेकिन हम आज तक बहुत समय से एक मोनोपोली बनी हुई है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हटके अगर हम कुछ यूज़ करेंगे सिर्फ इसलिए कि इंडिया का है और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उस पुराने सॉफ्टवेयर्स पे जिस पे आप ऐप्स में हैं उनको आप हटाइए मत, उनके साथ साथ इसको भी रखिए। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, पहली बात इंडिया के लिए है, तो मैं जानबूझ के खुद इनिशिएटिव लेके करना चाहता था कि मेरे देश की बात है, अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये मेरा तरीका था कॉन्ट्रीब्यूट करने का। हालाँकि मैं इंस्टॉल करके यूज़ करके अपना एक रिव्यू भी देने वाला था, लेकिन जब मैं यूज़ ही नहीं कर पाया तो मैं क्या दूँ, और ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मेरा कोई अपना इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है कि मैं इसकी इस बात को छुपा ले जाऊँ, तो इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है टीम। बाकी जनता से रिक्वेस्ट करूँगा आप इंस्टॉल कर लीजिए, जब काम कर जाएगा तब यूज़ करिएगा और फिर अपना अपना रिव्यू दीजिएगा, और वीडियो में बताइए किसने किसने इसको यूज़ कर लिया है और क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।